सरकार ने 1592 ब्लॉकों की पहचान की है जहां स्थिति दयनीय है और उनका अत्यधिक दोहन किया गया है। ये ब्लॉक जल शक्ति अभियान के 256 जिलों में फैले हैं। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का प्रयोग करने के अलावा सरकार इस उद्देश्य के लिए प्रतिपूरक वन रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण के अंतर्गत उपलब्ध अतिरिक्त निधियों का प्रयोग करने की संभावना की भी तलाश करेगी। अध्यक्ष महोदय, स्वच्छ भारत अभियान ने व्यापक स्वास्थ्य और पर्यावरण लाभ प्रदान करने के अलग राष्ट्रीय चेतना को जगाया है। वर्ष 2014 में शुरू की गई इस पावन योजना के व्यापक सफलता प्राप्त की है। 2 अक्टूबर 2014 के बाद से 9.6 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है। 2 अक्टूबर 2014 के बाद से 5.6 लाख से अधिक गांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाया गया है। हमें इस सफलता को बनाए रखना है। हमें न केवल लोगों की आदत में बदलाव लाना है बल्कि अपशिष्ट से ऊर्जा सृजन करने के लिए उपलब्ध नवीनतम प्रौद्योगिकियों का भी लाभ उठाना है। मैं अब प्रत्येक गांव में स्थायी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुरू करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन का विस्तार करने का प्रस्ताव करती हूँ। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत अभी तक 2 करोड़ से अधिक ग्रामीण भारतीयों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत 2 करोड़ से अधिक ग्रामीण भारतीयों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया गया है। ग्रामीण शहरी डिजिटल अंतर को पाटने के लिए भारत नेट देना, प्रत्येक पंचायत में स्थानीय निकायों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को लक्षित कर रहा है। इसे सार्वभौमिक बाध्यता निधि की सहायता से तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी व्यवस्था के द्वारा तेजी से बढ़ाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अब तक मैंने कुछ बातें कही हैं जो कि ग्रामीण भारत से जुड़ी हुई थी। अब मैं